हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, फाइनली जेईई मेन का एग्जाम ओवर हो गया। अब आपका टाइम है बेटा ये जानने का कि कितने मार्क्स पर आपकी क्या क्या परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। ठीक, सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूँ, हाउ टू गेट अ गुड कॉलेज एट अ वेरी लो परसेंटाइल। बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि काउंसलिंग करनी कैसे होती है दोस्त, तो ये चैनल इस बार काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेगा। आप लोगों की सारी काउंसलिंग बताऊंगा, जेईई मेन के स्कोर कार्ड से अगर आपकी लो परसेंटाइल गई है तो आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपको किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए या आपको स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लाइक जैक दिल्ली में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, AKTU यानी UPTU के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट। बहुत कॉलेजेस हैं बेटा, बहुत लो परसेंटाइल पे बहुत डिसेंट कॉलेज मिल जाएगी, ऐसी कॉलेज मिल जाएगी जिसके अंदर फीवर सीट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरा फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है तो आपको फीवर सीट भी दिला दी जाएगी। ठीक, तो काउंसलिंग की पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं इसी चैनल पे लेके आने वाला हूँ बेटा। जोसा की एक एक वीडियो मैं आपके पास डालूंगा, कितनी रैंक पर आपको NIT मिलेगी, IIIT मिलेगी, GFTI मिलेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। AKTU के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है क्या क्या इनकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार कंप्लीट गाइड करूंगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है दोस्त, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर लो, आप लोग ज्वाइन कर लो, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे सारे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अप्रैल शिफ्ट का अभी अभी एग्जाम दिया है तो आपके कितने मार्क्स पर क्या क्या परसेंटाइल रह सकती है। ये जो डाटा जो एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ बेटा, वो पिछले लास्ट 2 साल की कट ऑफ को देखते हुए लेके आया हूँ, पेपर के पैटर्न को देखते हुए लेके आया हूँ। ठीक, चलो अगर मैं आपसे सिक्स्थ शिफ्ट की बात करूँ, 6 अप्रैल वाली शिफ्ट 1 की बात करूँ, तो पेपर हल्का सा रिलेटिवली बच्चों ने टफ बताया। इस हिसाब से 185 पे आपके 99 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं बेटा, 160 पे 98 शिफ्ट 1 में। थोड़ा सा पेपर 2 में अगर बात करूँ, शिफ्ट 2 में, तो थोड़ा सा कम कर लो आप, 180 पे आपकी 99 परसेंटाइल ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही था, 155 पे 98, 140 पे आपकी 97 और 93 आपके 100 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो 90+ परसेंटाइल के जोन में आप लोग हो, 100+ मार्क्स आने पे। ठीक, अगर मैं ऐसे ही अप्रैल की अगर बात करूं शिफ्ट 1 की, तो पेपर थोड़ा सा टफ बताया लोगों ने शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में 8 अप्रैल में, तो 190 स्कोर पर मान सकते हैं आपकी 99 परसेंटाइल आनी। बेटा इस एक्सपेक्टेड में और रियल के स्कोर में दोस्त बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं बस, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 170 पे आपकी 98 परसेंटाइल और 100+ मार्क्स पे 93, 130 है तब भी आपके 96 परसेंटाइल। 95 से ऊपर होने के बाद आप लोग इलिजिबल होना स्टार्ट हो जाते हो NITs के अंदर, IIITs के अंदर, और बेटा 98 से ऊपर आप लोग IITs के लिए एलिजिबल होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपको CSE मिल जाएगी, पर हाँ ये कोई ना कोई सी आपकी कैटेगरी कोटा वगैरह लगा के कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, टेंशन ना लो, सारी वीडियोस लेके आऊंगा इसी चैनल पे 1 बाय 1, पूरी जोसा की काउंसलिंग की वीडियो लेके आऊंगा, स्टेट काउंसलिंग्स की वीडियो लेके आऊंगा, आपकी जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पे कौन सी आपको बेस्ट कॉलेज हो सकती है वो सारी चीजें मैं इसी चैनल पर क्या करूंगा दोस्त, प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक, ये आपका हल्का सा डाटा है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं शिफ्ट 2 में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाना, इस PDF को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये डाटा से एक आइडिया हो जाए अपना। ठीक है, 10 अप्रैल की अगर मैं आपसे शिफ्ट की बात करूँ तो बेटा वही है, 185 के आसपास 99 परसेंटाइल, 180 पे शिफ्ट 2 में 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 इसमें भी क्या रही है, थोड़ी सी आसान रही है, रिलेटिवली आसान रही है। ठीक, 160 पे 98 परसेंटाइल आई है, 130 पे 96 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी। ठीक, ये पूरा ओवरऑल डाटा है आपका। 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 भी थोड़ी सी टफ बताई बच्चों ने, तो 190 पर आपको क्या मिलने वाली है, 99 परसेंटाइल, 185 के आसपास आपकी 99 परसेंटाइल शिफ्ट 2 में बन जाएगी, 130 के आसपास वही आपकी 96 परसेंटाइल। ओवरऑल डाटा बेटा पिछले 3 साल के पैटर्न को देखते हुए बनाया गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं तो 12 अप्रैल को केवल एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में BR वाला हुआ था, तो 99 परसेंटाइल प्रिडिक्ट करी आ रही है पेपर के पैटर्न के हिसाब से कि 180 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। 15 अप्रैल में भी आपकी एक ही शिफ्ट हुई थी, आज के दिन आपकी एक ही शिफ्ट हुई है, तो पेपर आज का भी अच्छा खासा बताया जा रहा है, तो 185 पे आपकी 99 परसेंटाइल आ सकती है। अगर 13 अप्रैल की बात करूं तो दोनों पेपरों में, दोनों शिफ्टों में पेपर मॉडरेट था, बिल्कुल इक्वल एवरेज पेपर था, तो बिल्कुल डाटा भी पूरा सेम का सेम रखा गया दोस्त, 180 पर आपकी 99 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं, 170 पे 98, 150 पे 97, 130 पे बेटा 96 और 115 पे आपका 95 परसेंटाइल आने के चांसेस हैं, किसमें, 13 अप्रैल में। ये था दोस्त आपका ओवरऑल डाटा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस बार। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी जेईई मेन से जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो दोस्त, बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकते हो, आपको आइडिया होना चाहिए कि किस परसेंटाइल पे आपको कहाँ पर
कौन सी ब्रांच कौन सी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। सारी वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। लास्ट ईयर मैंने एक्यूट्यूब की काउंसलिंग करी थी, इस बार मैं जोसा की काउंसलिंग भी करूंगा। दो चार बच्चों की ही मैंने लास्ट टाइम पर करी थी क्या जोसा की काउंसलिंग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था दोस्त मेरे साथ में, क्योंकि मैं करंटली एएमयू से अपना बीटेक कर रहा था, तो मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे सेमेस्टर के। इस बार पूरी टीम है जो लास्ट टाइम थी उसी को प्रिपेयर करके लाया हूँ, पीपीटीज बना रही है आपको, तो अच्छी खासी आपकी चीजों के बारे में मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा पहले से ही दोस्त, कि आपको क्या क्या मिलने के चांसेस हैं। एक प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा आप लोगों को कि आपको अपनी काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी ज्वाइन हो जाओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना आप लोग, ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ अगर आप लोगों की जेईई मेन में लो परसेंटाइल भी है, याद रखना मेरी बात, लो परसेंटाइल भी है। अगर आपकी 75% से भी ऊपर है ना बेटा, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज दिला दिया जाएगा, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स रहो, चैनल के साथ में स्टक रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।